आज हम पहली बार एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो लव जिहाद के ऊपर बात करवा रहे हैं। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? बबलू इकबाल शेख। अपने माता पिता की बात न मानते हुए जब वो सोचती है कि शादी कर ले तो उसको पता चलता है कि वो बबलू इकबाल शेख है। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया। होता क्या है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो ऐसा ही आप फिल्म में देखेंगे कि इस लड़की को पता चला लेकिन उसके बाद वो इमोशंस में बहती चली गई और गलत होता गया उसके साथ। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। हिंदू समाज के लोगों के चेहरे पे काली पोती है। जो लोग तिलक कलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग गया। जैसे हम कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार से 5 बेटियों को 7 बेटियों को ये फिल्म दिखाइए, क्योंकि ये उनके जीवन में काम आएगी, उनको बचाने के लिए काम आएगी। द कन्वर्जन की टीम हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि हर हिंदुस्तानी को आखिर ये फिल्म देखनी क्यों जानी चाहिए। सर सबसे पहले तो ओनली सिंधी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हिंदुस्तानी को क्यों देखनी चाहिए? बिकॉज ये हिंदुस्तान की फिल्म है, हिंदुस्तान की बेटियों की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी को तो देखनी ही चाहिए और कल रिलीज हो रही है। द कन्वर्जन जो है वो फिल्म, क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, कोई टारगेट है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई को बस उजागर किया गया। ये लोग तो जो पीछे लोग जैसे कुछ तो लोग लोगों का काम है कहना, तो लोग तो बोलेंगे ना कि दूसरी चीज़ को टारगेट, पहले क्या मुद्दा है उस चीज़ को तो आप देखिए। हम लोग सच को उजागर करें, किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा, सच को उजागर किया जा रहा है। आपने जैसे कहा कि आपने इस किरदार को पूरी तरह से जिया है, तो इस किरदार में ऐसा क्या खास है जो देखने के लिए तमाम लोगों को जाना चाहिए हॉल के अंदर? जी इसलिए देखना चाहिए बिकॉज इसलिए तो आप भी आए हैं, अगर नहीं जी होता तो आप भी नहीं आते, सब लोग इसीलिए तो आए हैं और कल इसलिए रिलीज़ भी हो रही है। हम सब ने क्या पूरे एक एक किरदार ने इस फिल्म को बखूबी जिया गया है और बस ये चाह रहे हैं कि सच्चाई को मैंने बहुत बखूबी हर एक सीन हर एक चीज़ को किरदार को जी के प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो मैं आग्रह करता हूँ सब लोग को कि 6 मई को जाएँ और देखें कल, और अपनी बेटियों सिस्टर सबको दिखाएँ, हर वर्ग की लड़कियों को। जी थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। द कन्वर्जन जो मूवी है उसको देखने के लिए हर हिंदुस्तान के आपको बेटियों के लिए अपील कर रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को अपनी बेटी को दिखानी चाहिए, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फिल्म साक्षी मिश्रा की कहानी है। साक्षी मिश्रा कैसे उसे पहचान और प्यार, जैसे हर लड़की का एक सपना होता है कि पहचान मिले, प्यार करने वाला कोई मिले, तो वैसे ही साक्षी मिश्रा है जिसकी जर्नी है, प्यार करती है, फिर धोखा होता है, फिर उसके साथ फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता है। तो बेसिकली ये फिल्म एक अवेयरनेस लेकर आ रही है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सोशल मैसेज लेकर आ रही है, ताकि हमारे देश की जो बेटियाँ हैं जिनके साथ इतना गलत हुआ है, क्योंकि हम इस फिल्म के प्रमोशन पर जब गए तो हमें सच में पता चला कि कितना गलत किया जा रहा है लड़कियों के साथ, और इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो कितनी बड़ी बात है कि आज हमारा देश इतना बढ़ गया और इतना प्रोग्रेस कर गया कि आज हम पहली बार एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो लव जिहाद के ऊपर बात करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये फिल्म देश की हर बेटियों तक पहुंचे और हम सब अपनी बेटियों को बचा पाएं। हमने फिल्म का ट्रेलर देखा तो उसके अंदर जब अचानक से आपको पता चलता है कि ये दूसरे धर्म से हैं, तो उस सीन के बारे में एक बार को दर्शकों। जी वो सीन ये है कि अपने माता पिता की बात न मानते हुए, मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए, मैं अपनी मम्मी पापा की बात हमेशा मानती हूँ, तो नहीं मानते हुए जब वो सोचती कि शादी कर लें तो उसको पता चलता है कि वो बबलू इकबाल शेख है, तब वो लड़की थोड़ी हेजिटेट होती है, लेकिन होता क्या है कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं। तो ऐसा ही आप फिल्म में देखेंगे कि इस लड़की को पता चला लेकिन उसके बाद वो इमोशंस में बहती चली गई और गलत होता गया उसके साथ में, और अगर वो इसके बारे में अपने माता पिता से बात कर ली होती उसी वक्त और वो लोग फ्रेंडशिप का एक रिलेशनशिप मेंटेन करते माँ बाप अपने बच्चों के साथ, तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग बनी और घर वापसी भी हुई उसकी, धर्मांतरण हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, जो ट्विस्ट एंड प्लॉटिंग है वो तो है ही, तो वो तो आप 6 मई यानी कि कल आप देखेंगे, मतलब 6 मई को आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। कि वो जो लाइनें आपने वहाँ से बोली कि जिस तरीके से आप धर्मांतरण जो है होने के बाद आप बाहर निकल करके आए वहाँ से और मंच से जो बोली एक बार पूरे समाज को, जो लोग तिलक कलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश की हर बेटी जाग गई है। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए कपिल मिश्रा जी, सर ये बताइएगा कि हर हिंदुस्तानी को अपनी बेटी को ये फिल्म क्यों दिखानी चाहिए? उनको लव जिहाद से बचाने के लिए, वो उनके साथ कोई छलावा या धोखा ना हो ये दिखाने के लिए। अगर इस प्रकार का कोई उनसे झूठ बोलता है, छल करता है, तो उसका साहस उनके अंदर हो लड़ने का, प्रतिकार करने का, और परिवार को खुद भी देखनी चाहिए क्योंकि परिवार को अपनी बेटियों के साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा। कन्या पूजन किया जाता है, इस तरीके की स्पीच प्रमोट किया जाना चाहिए और तमाम लोगों के देखना, बिल्कुल सबको देखनी चाहिए। जैसे हम कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार से 5
बेटियों को, 7 बेटियों को ये फिल्म दिखाइए, क्योंकि ये उनके जीवन में काम आएगी, उनको बचाने के लिए काम आएगी। FIR आपके ऊपर दर्ज की गई कांग्रेस के तरह, क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ। अगर राहुल गांधी जी कहीं गए, उसका वीडियो दुनिया ने देखा, उससे राहुल गांधी की छवि धूमिल हो गई, तो राहुल गांधी ऐसी जगह जाते ही क्यों हैं जहाँ जाने से छवि धूमिल हो जाती है। अब मुझे तो लगता है अच्छी FIR है, क्योंकि कोर्ट पूछेगा अगर कि भाई आपके पासपोर्ट में जहाँ जहाँ आप गए हो वो डिटेल पब्लिक कर दो, मुझे लगता है वो डिटेल पब्लिक हो गए तो छवि और धूमिल होएगी उनकी। कह रहे हैं कि द कन्वर्जन फाइल में जानबूझ करके कपिल मिश्रा प्रमोट कर रहे हैं कि हिंदूवादी जो विचारधारा है वो फैलाना चाहते हैं, उनको क्या जवाब? लव जिहाद के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, या हमारे बेटियों के अधिकार की लड़ाई है।